बेंगलोर। बेंगलोर भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या 84 लाख के करीब है, जबकि इसके सब अर्बन क्षेत्र की जनसंख्या 81 लाख की है। और ये भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। बेंगलोर को भारत का आईटी हब भी कहा जा सकता है। बेंगलोर में आवागमन के कई सारे साधन हैं, जिनमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग शुमार है। बेंगलोर में भारत का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जो कि यहां के फाउंडर केम्पे गौड़ा प्रथम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरपोर्ट कोड BLR, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो भारत के कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की सेवा करता है। लगभग 4000 एकड़ में फैला ये देवनाहल्ली के उपनगर के निकट शहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL, जो कि एक सार्वजनिक निजी कंपनी है, के द्वारा ओन्ड और संचालित है। दोस्तों, बात अगर ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 1,62,87,097 यात्रियों ने आवाजाही की थी, जिसमें से 11,01,152 यात्रियों ने इंटरनेशनल यात्रा की। वहीं 1,48,014 एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट एयरपोर्ट के माध्यम से की गई। इस एयरपोर्ट के माध्यम से 4,11,550 टन कार्गो की आवाजाही भी की गई। दोस्तों, केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 150,556 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सालाना लगभग 2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। वहीं टर्मिनल 2 को स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल द्वारा बेंगलोर के गार्डन सिटी को श्रद्धांजलि के रूप में डिजाइन किया गया और लार्सन और टर्बो द्वारा निर्मित 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। 5,000 करोड़ की लागत से बनाए गए इस टर्मिनल का क्षेत्रफल 2,55,000 वर्ग मीटर का है। दोस्तों, भारत सरकार ने BIAL को 30 वर्षों के लिए हवाई अड्डा संचालित करने का अधिकार दिया है और 30 वर्ष के बाद और आगे 30 वर्ष तक जारी रखने के विकल्प भी दिए हैं। कंपनी एक सार्वजनिक निजी कंसोर्सियम उद्यम है, GVK के पास शुरू में बेंगलोर एयरपोर्ट में 43% शेयर थे। 2016 में GVK ने बेल में अपनी 33% हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल को 2149 करोड़ में बेचने का फैसला किया था। मार्च 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने धन जुटाने के लिए अपनी 13% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022-25 के बीच सरकार का लक्ष्य विमानन के माध्यम से 20,782 करोड़ रुपए जुटाने का है। दोस्तों, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मई 2008 में HAL हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ के विकल्प के रूप में खोला गया था, जो कि शहर की सेवा करने वाला मूल प्राथमिक वाणिज्यिक हवाई अड्डा था। इसका नाम बेंगलोर के संस्थापक केम्पे गौड़ा प्रथम के नाम पर रखा गया था। केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्लीन मैक्स 16 द्वारा विकसित कर्नाटक का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया। दोस्तों, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री यातायात, हवाई यातायात और भारत में घरेलू और कुल कार्गो के हिसाब से दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों के बाद तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है और एशिया का 29वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दोस्तों, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक कार्गो विलेज और 3 कार्गो टर्मिनल है।
हवाई अड्डा एयर एशिया इंडिया, अलायंस एयर, गो फर्स्ट, इंडिगो, स्टार एयर और DHL एविएशन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है और एयर इंडिया और स्पाइस जेट के लिए एक फोकस शहर माना जाता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2020 में एशिया पैसिफिक में हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे, प्रतिवर्ष 25 से 40 मिलियन यात्रियों के रूप में मान्यता दी गई थी। अगस्त 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे और शहर को जोड़ने वाली एक हाई स्पीड रेल लिंक बनाने की योजना की घोषणा की थी, जिसमें इसे 3 अलग अलग रेलवे लाइनों से जोड़ा जाएगा, मेट्रो, उपनगरीय रेल और हाई स्पीड रेल, जिससे ये तीनों परिवहन के साधन से जुड़ा एक विशिष्ट हवाई अड्डा बन जाएगा। दोस्तों, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप रुकने के लिए कई सारे शानदार होटल्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से गेटवे इन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6.7 किलोमीटर, एयरपोर्ट रेसिडेंसी 3.7 किलोमीटर, होटल कॉस्मोपॉलिटन 3.6 किलोमीटर, होटल एयरपोर्ट सिटी बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6.8 किलोमीटर, पर्पल क्लाउड एयरपोर्ट होटल 6.8 किलोमीटर इत्यादि शामिल है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप घूमे जाने वाले जगहों में लालबाग बोटैनिकल गार्डन, कबॉन पार्क, बेंगलुरु पैलेस, बनरघट्टा नेशनल पार्क एंड जू, इस्कॉन मंदिर बैंगलोर, विधान सौधा इत्यादि शुमार है। दोस्तों, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 34.9 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ रोचक जानकारियां दी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।